हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? कलयुग है और धीरे धीरे ये कलयुग घोर कलयुग में तब्दील हो रहा है। हालांकि कोरोना के बाद से देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म में लोगों की रुचि बढ़ गई है, पर पैरेलली अगर देखा जाए तो अधर्म में लोग सहज ही निपुण हो गए हैं। धर्म के नाम पर पाखंड करने वालों की भरमार होती जा रही है। छोटे छोटे लड़के लड़कियां, स्त्रियां, आलसी और निठल्ले आदमी जिन्होंने कई बार दीक्षा की, लोगों से गुहार की और जब उनको साधना करवाया गया तो उनकी हालत खराब हो गई और बहाने बनाकर उन्होंने साधना नहीं की। ऐसे पाखंडी सिर्फ जानना चाहते हैं कि कैसे क्या होता है। और आज के सोशल नेटवर्किंग दुनिया में जहाँ लोग आपकी असलियत को शायद नहीं जान पाते और अपने कष्टों का पिटारा लेकर ऑनलाइन समस्याओं से जूझने का तरीका खोजते रहते हैं, वो इनके जाल में मोटे मोटे पैसे देकर फंसते चले जाते हैं। कभी जादू टोना तो कभी भूत प्रेत बाधा, कभी वास्तु दोष, कभी ग्रह नक्षत्र दोष, तो कभी बड़ी बड़ी साधनाओं का नाम लेकर, इधर उधर से पढ़कर जानकारी देकर, अपने ज्ञानी होने का दिखावा कर पाखंडी दुर्जन लोगों को ठग रहे हैं। कई लोग तो ऐसे अधर्मी हैं कि सच्चे संतों का ढोंग कर, तिलक लगाकर, गेरुआ धारण कर, कंठी माला लेकर बाजार में बैठे हैं और निर्दोष निश्चल लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। धर्म का आचरण करने के लिए किया जाने वाला सदाचार अब त्राही त्राही कर रहा है। न इंद्रियों पर संयम है, न वाणी में सत्यता है, न मन में शुद्धता है। हर कोई इंद्रियों का दास बना बैठा है और पाप आचरण की ओर आकर्षित है, बाबा जी बना बैठा है। ब्रह्मचर्य नष्ट हो रहा है, सामान्य मनुष्यों की तो बात ही क्या। बड़े बड़े जो अपने आप को संत नाम के आगे बड़े बड़े टाइटल लगाते हैं और भ्रष्ट आचरण कर रहे हैं, अपनी लालच की पूर्ति के लिए कई पर स्त्री गामी हो गए हैं। कोई जादू दिखा रहे हैं, कोई आपके मन की बात को जानने का दावा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी साधनाओं का नाम लेकर, जबकि शायद उनको इसके बारे में कोई ज्ञान भी ना हो, सत्यता में वो बस आपको बरगला रहे हैं। आपकी बातें, आपके बैकग्राउंड की बातें, खुद को एक पोस्टर और एक्टर की भांति रियल लाइफ हीरो बनकर भयंकर व्यभिचार कर रहे हैं। ऐसे में सच्चे संतों का नाम बर्बाद हो रहा है, तो ऐसे में क्या किया जाए? एक आम आदमी किस पर विश्वास करे, क्या करे? सबकी बातें सुननी चाहिए मगर इनके पीछे आंखें बंद करके ना चले। जब विकट परिस्थितियां हो तो घबराए नहीं, सच्चा संत मिले तो गाइडेंस के लिए ठीक, अन्यथा हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान जी के अनन्य भाव से की गई सेवा ही कलयुग के प्रभाव से दूषित हुए मानव मात्र के मन को पावन कर सकती है और उसे धर्म की ओर अग्रसर कर सकती है। हनुमान जी का स्तवन और पूजन ही इस घोर कली काल में इंद्रियों के विष से आहत मनुष्यों को सदाचार और सन्मार्ग पर ला सकता है। इस घोर कलयुग ने लोगों की बुद्धि में अपनी सेंध लगाई है। ये कलयुग ही लोगों को भ्रमित करता है, कुमार्ग पर ढकेलता है। ऐसे में हनुमान जी की शरण लेनी चाहिए, जो हमारी बुद्धि हो, वाणी हो, मन को पवित्र करते हैं, हमें धर्म के आचरण हेतु प्रेरित करते हैं। हनुमान जी जैसा कोई गुरु है ही नहीं इस समस्त सृष्टि में, अतः हनुमान जी ही इस घोर कलयुग में हमारी रक्षा कर सकते हैं। इसलिए हनुमान चालीसा में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हर हु कलेश विकार, महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी, और हनुमान चालीसा को सिद्ध कर लीजिए आप। आप देखिए, बड़ी सरल विधि होती है। आप बस क्या करते हैं, हनुमान चालीसा को बस बोलते जाते हैं। कभी भी इस तरह से सिद्ध नहीं होगी, जाप करने से होगी। जाप का अर्थ क्या होता है? शब्द पर ध्यान देना। आप जो भी नाम का जाप कर रहे हैं, जैसे यहाँ हनुमान चालीसा की बात कर रहे हैं, तो आपको अर्थ पता होना बहुत ज़रूरी है। मैं अक्सर देखती हूँ कि लोग बस बोलते जाते हैं हनुमान चालीसा, बोलते हैं हमने 108 कर लिया, हमने 508 कर लिया, हमने 1100 किया, हमने 1 किया, 5 किया, 7 किया। कोई फ़ायदा नहीं है, आप जप नहीं कर रहे। आप सिर्फ हनुमान चालीसा जैसे खाना खाते हैं वैसे ही खा लेते हैं, सुन लेते हैं, या आपके जीवन को बदल नहीं सकता। आपके जीवन में दिशा देने के लिए, हालांकि ये लिखी गई है, आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, तो आप हनुमान चालीसा का अर्थ सहित जाप आपको अपने लक्ष्य को पहचानने में सहायता करता है।
अगर आप अपने जीवन में दुखी हैं तो हनुमान चालीसा का आप अर्थ सहित अगर जाप करते हैं तो आपके दुखों से वो आपको मुक्ति देता है। यदि आप पूरी तरह से परिस्थितियों के सामने घुटने टेक कर चुके हैं तो हनुमान चालीसा का अर्थ सहित जाप कीजिए, आपको शक्ति देता है और फिर से जीवन में आने वाली विपत्तियों से आपको जीतने के लिए। अगर आपको कार्यों में सफलता नहीं मिलती तो सबसे पहले आप किसी भी कार्य को करने के लिए आपके अंदर इसका मतलब समझ जाइए कि आत्मविश्वास की कमी है और जिसकी वजह से आप सफलता हासिल नहीं कर पा रहे, तो आप एक बार रोज़ाना हनुमान चालीसा करके देखिए आपको कैसे आपके अंदर आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कई बार जब आप जीवन में छोटी छोटी चीज़ों से डरने लगते हैं तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ इस भय से मुक्ति दिलाता है। जो भी मनुष्य नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसकी नकारात्मक ऊर्जाओं की से रक्षा स्वयं श्री हनुमान जी महाराज करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करने से बड़ा रोग भी ठीक हो जाता है। जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है वो बीमारियों से दूर हो जाता है और सिर्फ यही नहीं, हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करने से आपकी सभी मनोकामनाएँ पूर्ण होती है। हनुमान जी के भक्तों पर शनि देव भी बुरी नज़र नहीं डालते। कोई भी नज़र बाधा हो, तकलीफ हो, समस्या हो, रोग हो, दर्द हो, सब धीरे धीरे ठीक हो जाता है और ये मेरा पूर्ण विश्वास है। तो दोस्तों, अगर आप भी आज के बाद हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो एक बार सिर्फ अर्थ सहित पढ़ के देखिए, सभी पंक्तियों का अर्थ आप जानते हैं और हनुमान चालीसा की पंक्तियां पढ़ते समय अर्थ के साथ साथ आप पढ़ते हैं तो आपके मस्तिष्क में चल रहा जो भी मेडिटेशन है वो घटित हो जाता है। आपके अंदर एक ध्यान भावना आती है, आप महसूस करेंगे कि सच में हनुमान जी आपके साथ है, बस आपको अपने कर्म अच्छे रखने हैं और कर्म करते जाना है, ध्यान रखना है। कर्म सिर्फ कर्म हाथों से नहीं होता, मन, वाणी और शरीर तीनों से होता है। अपने मन में भी किसी प्रकार की गंदगी मत प्रवेश होने देना, जैसे स्त्री को लेकर के गंदे विचार, किसी को धोखा देने का गंदा विचार, फिर वाणी से किसी को कोई अब्यूज़ करना, कोई अपशब्द का प्रयोग करना, अपने शरीर से गलत कर्म करना, जैसे आजकल हॉस्टल्स में लड़के किया करते हैं, लड़कियां किया करते, गलत काम करते हैं, गलत भावनाएं, गलत प्रकार की लिटरेचर पढ़ते हैं, गलत प्रकार की मूवीज़ देखते हैं और दिन भर गलत कामों में रत रहते हैं, अनावश्यक शारीरिक बल का प्रयोग इत्यादि, ये सभी करने से हनुमान जी आपकी पूजा कभी स्वीकार नहीं करते। तो जो लोग भी अब मेरे साथ अर्थ सहित हनुमान चालीसा आज पढ़ना चाहते हैं वो तन मन वाणी से ध्यान अवस्था में जाकर पढ़ें। सालों से अगर आप पढ़ रहे हैं हनुमान चालीसा और आपको फल नहीं मिल रहा है तो समझ जाइए, बस एक बार आज सच्चे मन से जुड़ाव करके पढ़िए। आंखें बंद करके अगर आप नहीं भी पढ़ना चाहते हैं, बस सच्चे दिल से सुनते चले जाइए, बस चुपचाप सुने और अगली बार आप भी अर्थ सहित बोले। आज बस सुने और अपने कष्टों को प्रभु श्री राम जी के भक्त श्री हनुमान जी का हृदय में ध्यान करते हुए ध्यान पूर्वक सुने। बोलिए श्री राम जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, बरनउ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चार, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सम्मानीय गुरु के चरण की धूल जो कमल के समान है, उस धूल से मैं अपने मन जो शीशे के समान है उसको शुद्ध करता हूँ। मैं वर्णन करता हूँ रघुकुल के श्री राम का, जिनका यश अत्यंत ही शुद्ध है और चार पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। मेरी बुद्धि कमजोर है और इसी अल्प बुद्धि से, यानी अपनी थोड़ी सी बुद्धि से मैं हनुमान जी आपका स्मरण करता हूँ। मुझे बल बुद्धि और विद्या दीजिए, मेरे सभी कलेशों को विकारों को दूर कीजिए। और फिर बोले जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी की जय हो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जो ज्ञान और गुणों के सागर हैं, जय कपीस तिहु लोक उजागर, कपियों के राजा तीनों लोक, पाताल लोक, धरती लोक और आकाश, तीन लोक है ना, तीनों में आपकी जय हो, सम्मान है, जय कपीस तिहु लोक उजागर।
राम दूत तुलित बल धामा। श्री राम के दूत आप बल के धाम हैं, यानी आपके पास अतुलित बल है। आपकी माता का नाम अंजनी है और पिता का नाम पवन है। अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वनन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हे हनुमान जी, हे हनुमान जी, आप वीर नहीं महावीर हैं, विक्रम हैं, यानी आपसे युद्ध में नहीं जीता जा सकता। और आपका अंग वज्र के तरह कठोर है, जिसकी बुद्धि दूषित है, जिसकी बुद्धि केवल गलत कार्यों में ही लगी रहती है। यदि वह आपका निरंतर स्मरण करे तो भी उसकी बुद्धि श्रेष्ठ होती है, और जिनकी बुद्धि अच्छे कार्यों में लगी हुई हो उनके संग तो आप हमेशा ही रहते हैं। कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुवेसा। आपके शरीर का रंग स्वर्ण की भांति और वस्त्र सुंदर हैं, कानों में कुंडल है, केश यानी बाल घुंघराले हैं। अब यहाँ हमें हनुमान जी संदेश देते हैं कि हमें अपने शरीर को साफ रखना चाहिए और वस्त्र भी हमेशा साफ ही पहनने चाहिए। कानन कुंडल कुंचित के साथ, हाथ ब्रजो ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगमंदन। आपके एक हाथ में गदा है, एक हाथ में विजय ध्वज है, आपके कंधे पर मूंज एक प्रकार की घास का जनेऊ बनता है वो है, और आप शंकर के अवतार हैं, आप केसरी के पुत्र हैं, केसरी के औरस पुत्र हैं। आपका तेज और आपकी महिमा का वंदन सारा जगत करता है। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। आप विद्वान हो, गुणी हो, चतुर हो, आप राम का कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। अब यहाँ थोड़ा रुकते हैं और गहराई से विचार करते हैं राम जी के कार्य पर। राम जी के कार्य यानी अच्छे कार्य, नेक काम, हितकारी काम। तो जो भी मनुष्य निरंतर अच्छे कामों में लगा हुआ है वो सभी राम जी के काम है, और उसे पूरा कराने का सारा दायित्व श्री हनुमान जी का है। आप बस अच्छे काम करते रहिए, किसी का बुरा मत कीजिए, किसी की चुगली मत कीजिए, किसी के साथ विश्वासघात मत कीजिए, पूरी ईमानदारी से परिश्रम कीजिए, किसी को धोखा मत दीजिए। हनुमान जी आपके सभी काम पूरे करेंगे। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हे हनुमान जी, आपको श्री राम जी का चरित्र सुनने में आनंद आता है। जहाँ जहाँ राम कथा होती है आप वहाँ वहाँ अवश्य उपस्थित होते हैं। आपके हृदय में श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया विराजते हैं। सूक्ष्म रूप धरी सिया ही दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। आपने सीता जी को अपने छोटा रूप दिखाया था, अपना विकराल रूप दिखाकर आपने लंका को जलाया था। और वाल्मीकि प्रसंग में, रामायण में आता है, वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है कि हनुमान जी बिल्ली का रूप धारण करके लंका में घुसे थे। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, उन्होंने बिल्ली का रूप बनाया था, ना कि बिल्ली का शरीर धारण कर लिया था। हजारों साल पहले मनुष्य की औसत लंबाई 8 से 10 फीट होती थी, पर आज 5.5 फीट रह गई है। और उसी प्रकार उस समय जानवरों की लंबाई आज के जानवरों की लंबाई से बहुत ज़्यादा थी। तो हनुमान जी ने बिल्ली की तरह अपनी चाल बनाई और लंका में प्रवेश कर गए। और दूसरी बात है, सूक्ष्म रूप का अर्थ है कि हनुमान जी जब सीता मैया से मिले तो झुककर मिले, घुटनों पर बैठे हुए मिले। उनके शरीर की दोनों बाजुएं सीने से चिपकी हुई थी, उनमें इस समय इस बात का बिल्कुल भी अहंकार नहीं था कि उन्होंने शत्रु के देश में अकेला सीता मैया को खोज लिया है। और जब लंका को श्री राम जी की शक्ति प्रदर्शन देने का समय आया तब उन्होंने अपना सीना चौड़ा किया, कंधे फैलाए और गर्जना की। भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। अपने विशालकाय रूप धरकर असुरों का विनाश किया, रामचंद्र जी के सभी कार्यों को आपने पूर्ण किया। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। आप संजीवनी बूटी लाए और लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, तब श्री राम जी के होठों पर मुस्कान आई थी, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। श्री राम जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और आपको भरत के समान प्रिय भाई माना, और
सहस बदन तुम रोज गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। श्री राम जी कह रहे हैं हनुमान जी से कि मेरा पूरा शरीर तुम्हारा गुण गा रहा है। सहस बदन तुम रोज गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। ऐसा कहते ही श्रियापति श्री राम जी ने हनुमान जी को गले से लगा लिया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा, ऋषि सनक इत्यादि श्री ब्रह्मा जी मुनिजन नारद जी सरस्वती जी शेषनाग जी सभी वहां उपस्थित हैं। जम कुबेर दिग्पाल जहां थे, जमराज कुबेर दिग्पाल सभी दिशाओं के रक्षक भी आपके गुणों को नहीं गा सकते। कभी को विद कह सके कहां थे, तो कवि तुलसीदास जी तो क्या ही गा पाएंगे। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद धीना, सुग्रीव जी को राम जी से मिलाने वाले आप ही थे। राम जी से मिलते ही सुग्रीव और राम जी की मित्रता हुई और बाली का अंत करके राम जी ने सुग्रीव को राजा बना दिया। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना, और तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जब हनुमान जी को बंधन में बांधकर मेघनाद रावण के समक्ष लाया, तब हनुमान जी ने बहुत सी हितकर बातें रावण को समझाई। तब उस सभा में विभीषण जी भी थे, जिन्होंने पूरे ध्यान से हनुमान जी की बातें सुनी। और बाद में जब रावण ने अपमान करके विभीषण को लंका से निकाला, तब विभीषण श्री राम जी के शरण में ही गए। राम जी की शरण में आने के बाद रावण का अंत करके प्रभु श्री राम ने विभीषण जी को ही लंका का राजा बनाया। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लिल्यो ताही मधुर फल जानू। सूर्य जो हजारों योजन दूर है, उसे आपने मीठा फल समझकर निगल लिया था। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। और हे हनुमान जी, आप प्रभु श्री राम की अंगूठी अपने मुख में रखकर समुद्र को सरलता से पार कर गए। दुर्गम काज जगत के जेते, जगत में जितने भी कठिन से कठिन कार्य हैं, सब आपके आशीर्वाद से पूर्ण हो जाते हैं। सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना ज्ञापिन पैसारे। राम को पाने की कुंजी आपके पास है, आपकी आज्ञा के बिना राम जी से मिलना सुलभ नहीं है। और सबसे पहले सुबह उठकर हमें धरती माँ को प्रणाम करना चाहिए, फिर योग प्राणायाम व्यायाम स्नान करके माता पिता के चरण स्पर्श करने चाहिए। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहूं को डरना। हे हनुमान जी, जो आपकी शरण में आ गया, उसको तो फिर संसार के सारे सुख घेर ही लेंगे और भय तो उसको लगेगा ही नहीं, क्योंकि तब स्वयं आप उसकी रक्षा कर रहे होंगे। आप नितेज संहारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। आपके दर्शन की अभिलाषा तो है मुझे, पर आपका तेज आपकी चमक मैं नहीं झेल पाऊंगा। आप हल्की सी गर्जना कर दीजिए तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाता है। तीनों लोक हांकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत आत्माएं उसके पास भी नहीं आती जो आपके नाम स्मरण में रखता है। और नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत पीरा। हे वीर हनुमान, जो हर समय आपके नाम का जप करते हैं, उसके समस्त रोग और पीड़ा का अंत हो जाता है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जुलावे। जो भी हनुमान जी का स्मरण करता है और साथ में परिश्रम करता है, उसका जीवन सभी प्रकार के संकटों से छूट जाता है। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। सभी राजाओं में श्री राम जी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वे तपस्वी राजा हैं। उनके सभी कार्यों को आप सदैव सफल बनाने में प्रयासरत रहते हैं। तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। तो जो मन को रथ के भांति जानकर उसको साध लेता है, वही जीवन भर अनगिनत फल पाता है, अनगिनत सुख को पाता है। और मन सधेगा तभी श्री हनुमान जी में ध्यान लगेगा। इस बात का आप ध्यान रखें, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियारा। हे हनुमान जी, आपका नाम चारों युग में रहेगा, और जब तक यह जगत रहेगा तब तक आपके नाम से यह जगत जगमग रहेगा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। सभी साधु और संतों के आप रखवाले हैं, और सभी असुरों के संहारक आप श्री राम जी के दुलारे हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता।
संसार में 8 प्रकार की सिद्धियां हैं, 9 प्रकार की निधियां हैं, और सभी सिद्धियां और निधियां आपके पास हैं, क्योंकि सीता मैया ने आपको यह वरदान दिया था। जो आपका ध्यान लगाकर परिश्रम करता है उसे भी जीवन में वह सब मिलता है जो वह पाना चाहता है। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम नाम का रसायन आपके पास है, केमिकल है उनके पास श्री राम जी के नाम का, और आप सदैव श्री राम के दास बने रहना चाहते हैं। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है और इसको समझना चाहिए। हनुमान जी हमें सिखा रहे कि जीवन में तुम कितनी भी सफलता पा जाओ, परंतु भीतर से सदैव खुद को परमात्मा का दास ही मानना, खुद को परमात्मा का दास ही जानना। कभी भी अहंकार आपकी बुद्धि पर हावी ना हो, और परमात्मा का ध्यान लगाते हुए जीवन में जो हमसे जुड़े हैं उनके जीवन में भी आप खुशियां जोड़ पाए। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। और हे हनुमान जी, आपको स्मरण में रखने से आप हमें राम से मिला देते हैं। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। जन्म जन्मों के दुख आपके ध्यान मात्र से समाप्त हो जाते हैं। अंतकाल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। हे हनुमान जी, मैं अपने अंतकाल में श्री राम जी के धाम को जाऊँ, और अगला जन्म कभी लूँ ही नहीं, राम का दास कहलाऊँ। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। किसी और देवता का स्मरण करने की अब आवश्यकता ही नहीं है, केवल आपका श्री हनुमान जी का स्मरण करने से ही सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। और संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। सभी संकट और सभी पीड़ा का अंत वीर हनुमान जी का ध्यान लगाते ही हो जाता है। संसार में जितने भी संकट हैं सब मानसिक हैं, और मानसिक बल बढ़ेगा तो संकट अपने आप आपको छोटे लगने लगेंगे। इसलिए मानसिक बल बढ़ाने के लिए हनुमान चालीसा का ध्यान जरूर करना चाहिए। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। इंद्रियों के स्वामी श्री हनुमान जी की जय हो। हे हनुमान जी महाराज, आप मुझ पर गुरु की भांति कृपा करें। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हनुमान जी जो ब्रह्मचारी हैं, और ब्रह्मचारी होना कोई सरल बात नहीं है। अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखकर ही आप ब्रह्मचारी हो सकते हैं। तो अगर आप, कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि विवाहित हैं तो ब्रह्मचर्य कैसा, उत्तर ये है कि विवाह के बाद भी आप ब्रह्मचारी हो सकते हैं। बस विवाह के बाद आपको अपनी पत्नी के अलावा सभी स्त्रियों को माता और बहन के स्वरूप में देखना चाहिए। तो राम जी भी ब्रह्मचारी थे, और आप भी विवाह के बाद भी ब्रह्मचारी रह सकते हैं। जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई। जो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसके सभी दुखों का अंत हो जाएगा, सुख की प्राप्ति होगी। हनुमान चालीसा की बहुत महिमा है, और सुख और दुख केवल आपकी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। तो हनुमान चालीसा आपके मानसिक बल को बढ़ाती है, जीवन के सभी दुखों को छोटा कर देती है। तो जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तो जो भी मनुष्य हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसकी सभी इच्छाओं की पूर्ति अवश्य होती है। सत्य तो ये है कि जो हनुमान जी की भक्ति में लीन हो गया उसकी कोई भी इच्छा शेष ही नहीं रह पाती। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मर देरा। तुलसीदास जी सदा ही राम जी के दास हैं। हे हनुमान जी, मेरे हृदय में आप निवास कीजिए। तुलसीदास जी के साथ साथ आप अपना नाम भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि तुलसीदास जी तो राम जी के दास हैं। इस पंक्ति को कैसे पढ़ना है ये मैंने पहले भी बताया था, और जैसे मेरा नाम सुमी है तो मैं ऐसे पढ़ सकती हूँ। तुलसीदास एवं सुमी सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय महदेरा। इस तरह से भी आप चाहें तो इस पाठ को पढ़ सकते हैं। और पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हे पवन पुत्र हनुमान, संकटों को हरने वाले मंगल के रूप, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप, राम लक्ष्मण और सीता सहित आप मेरे हृदय में निवास करें। हे देवताओं के राजा, इन पंक्तियों में सुर का अर्थ है देवता और भूप का अर्थ है राजा। इस तरह से हनुमान चालीसा
श्री हनुमान जी को हम समर्पित करते हैं और विनती करते हैं कि हमारी भी पुकार हमारी मनोकामना को अवश्य पूर्ण करे। आज के लिए इतना ही, और सिर्फ अकेले इस हनुमान चालीसा का अर्थ सहित पाठ नहीं करना है, अपने फ्रेंड्स फैमिली मम्मी पापा भाई बहन बच्चे सभी लोगों से छोटी सी जानकारी की बातें हैं आज मैंने आपको सिखाई है। अगला हनुमान चालीसा जब आप करें इसी प्रकार से कीजिए, आप देखिए आपकी मनोकामना अगर सालों से हनुमान चालीसा करने के बाद भी पूर्ण नहीं हो रही है तो इस बार प्रभु श्री राम जी श्री हनुमान जी आपकी विनती अवश्य सुनेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय, हर हर महादेव शंभो, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।